बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर। आज जो हम चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर टू एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ज़रात, एग्रीकल्चर से मुराद ज़रात। द वर्ड एग्रीकल्चर मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ कल्चरिंग द लैंड, ज़मीन से फसलें उगाने के फ़न को ज़रात कहते हैं। इट इज़ द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट फॉर फूड, फाइबर, बायोफ्यूल, मेडिसन एंड अदर प्रोडक्ट्स। पौधों की कशकारी जो है वो की जाती है खुराक हासिल करने के लिए, बायोफ्यूल हो गया हयाती ज़िंदगी के लिए, मेडिसन दवाइयों के लिए एंड अदर प्रोडक्ट्स और जो मसनूआत हैं उनके लिए। दीज आर यूज टू सस्टेन एंड इन्हांस ह्यूमन लाइफ, ये जो है इंसानी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए, इंसानी ज़िंदगी को आसान करने के लिए की जाती है, या फिर हम इस तरह कह सकते हैं कि इंसानी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान इज़ मेनली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, पाकिस्तान जो है एक ज़रई मुल्क है। द लैंड ऑफ पंजाब एंड सिंध आर कल्टिवेटेड फॉर फार्मिंग, खेती बाड़ी के लिए जो है सिंध और पंजाब की जो ज़मीन है वो इस्तेमाल की जाती है, उसमें ज़रात उगाई जाती है या ज़रात हासिल की जाती है। इन पंजाब, पंजाब में देयर इज़ अ लार्ज फर्टाइल एरिया, एक वसी जो है खेज ज़मीन है, इलाका है, एंड कैनाल और नहरें हैं। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड हेयर, ज़्यादातर जो फसलें हैं या ज़रात हैं वो यहीं से यहाँ उगाई जाती हैं। इन सम पार्ट ऑफ सिंध एंड खैबर पख्तूनख्वा, और कुछ हिस्सा जो है सिंध का और खैबर पख्तूनख्वा का, लैंड इज़ गुड फॉर फार्मिंग, खेती बाड़ी के लिए अच्छी हैं, ज़मीन जो है खेती बाड़ी के लिए अच्छी है। इन बलोचिस्तान देयर इज़ लेस कल्टिवेशन, और बलोचिस्तान में बहुत कम मकदार में ज़रात हासिल की जाती है या फसलें उगाई जाती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप विच आर ग्रोन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में दो किस्म की फसलें उगाई जाती हैं, फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप। फूड क्रॉप से मुराद है अजनास खुर्दनी, यानी जो वो खुराक, वो फसलें जो इंसान या जानवर खाते हैं, ऐसी फसलें जो इंसान इस्तेमाल करे या कोई जानवर इस्तेमाल करे उसको फूड क्रॉप यानी अजनास खुर्दनी, जो खाने के लिए इस्तेमाल किए जाएँ ऐसी फसलों को फूड क्रॉप कहते हैं। द प्लांट विच आर ग्रोन विद द पर्पज ऑफ बींग ईटन बाई ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स, ऐसे पौधों को उगाना, ऐसे पौधों को पैदा करना जो इंसान या जानवर खाने के मकसद के लिए इस्तेमाल करे उसे अजनास खुर्दनी या फूड क्रॉप्स कहते हैं। एग्जांपल में भी बताया गया है, वीट, गंदम, राइस, चावल, पल्सेस, दालें वगैरह, मस्टर्ड, सरसों वगैरह एंड ग्राउंड नट्स, मूँगफली वगैरह और फूड क्रॉप्स, ये जो है अजनास खुर्दनी हैं। एग्जांपल में जो बताई गई है गंदम, चावल वगैरह, हमें पिक्चर भी शो की गई है गंदम, चावल और दालें वगैरह की, ये जो है अजनास खुर्दनी हैं। आज जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ज़रात, ज़रात से क्या मुराद थी, ज़रात से मुराद ये है कि फसलें उगाने के फ़न को ज़रात कहते हैं। ये जो है खुराक के लिए, इंसान हयाती ज़िंदगी के लिए, दवाइयाँ इस्तेमाल, दवाइयाँ बनाने के लिए और जो दूसरी मसनूआत हैं उनमें इस्तेमाल होती है, ज़रात जो है इसलिए की जाती है। ये जो है इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उन ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान में हमने ज़रात के बारे में ये पढ़ा कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, जो पंजाब का इलाका और सिंध का जो इलाका है यहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है, ज़्यादातर जो है पंजाब में एक वसी इलाका है जो ज़रख़ेज़ है और वहाँ पर नहरी निज़ाम है जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फसलें मिलती हैं या फसलें वहाँ ज़्यादा उगाई जाती हैं। कुछ इलाका सिंध का और खैबर पख्तूनख्वा का भी है जहाँ पर अच्छी फसलें, अच्छी खेती बाड़ी की जाती है, और बलूचिस्तान के बारे में भी बताया गया है कि वहाँ पर बहुत कम मकदार में खेती बाड़ी की जाती है। पाकिस्तान में जो है दो किस्म की ज़रात पाई जाती है, एक जो है फूड क्रॉप है और दूसरा कैश क्रॉप्स है। फूड क्रॉप से मुराद जो है अजनास खुर्दनी है और कैश क्रॉप से मुराद जो है नकद आवर अजनास।
फूड क्रॉप्स में हमने ये पढ़ा कि ये वो फसलें होती हैं जो इंसान या जानवर अपने खुराक के लिए इस्तेमाल करता है, खुराक के मकसद से इस्तेमाल करता है, उसे अजनासे खुर्दनी या वो अजनास जो इंसान खाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसमें हमने एग्जांपल पढ़ी गंदम, चावल, दालें वगैरह, मूंगफली वगैरह जो है इसमें एग्जांपल में हमें बताई गई थी, और इसमें कुछ पिक्चर दिखाई गई जैसे गंदम की, चावल की, दालें वगैरह की पिक्चर भी हमें दिखाई गई है। इंशाल्लाह अगला टॉपिक हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स कहते हैं नकदावर अजनास को। कैश क्रॉप्स आर मोस्टली नॉट कंज्यूम बाय द पीपल। ये जो है इंसान ख़ुद इस्तेमाल नहीं करते। कैश क्रॉप जो होती है ये जो है इंसान ज़्यादातर इसे ख़ुद इस्तेमाल नहीं करते। दीज आर यूज इन फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट आइटम। ये जो है कारखानों में इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें बनाने के लिए, जैसे कि कैश क्रॉप में एग्जाम्पल दी गई है काटन, शुगर केन, टोबैको, सनफ्लावर एंड जूट और कैश क्रॉप। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया है काटन, कपास वगैरह, शुगर केन, गन्ना, टोबैको, तंबाकू, सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल एंड जूट, पटसन वगैरह जो हैं वो कैश क्रॉप या नकदावर अजनास में शामिल हैं।